Hello friends, a very hearty good evening to all. Today we begin our UPPSC 2020 target batch, and in this batch we will discuss exclusively everything that is required to conquer or demolish UPPSC 2020. Right. First things first. Today we'll start with the demolishing of the notification and decoding the syllabus. Right. First, a motivational quote. Tough times don't last, but tough people do. So we all are preparing for some or the other kind of examination, right? Some of us are preparing for NTPC, some of us are preparing for UPPCS. Some of us are preparing for civil services examination, some of us are preparing for CGL, right? But one thing that is very common in all these exams is we all are studying, we all are preparing something or the other. So the most important thing is to understand that this is the very tough time, right? Everybody, some or the other person in our community would have got a job, that pressure would have existed on us, right? Someone have got married, so again another pressure. So some or the other kind of pressure it has been existing on us. तो आवश्यकता क्या है यहाँ पे? आवश्यकता ये है कि perseverance होना चाहिए, यानी कि धैर्य बहुत ही जरूरी चीज है. अपना टाइम भी आएगा और जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा. लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है अपना टाइम लाने के लिए, वो है हार्ड वर्क, जिससे लोग कतराते हैं, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा और उसके बाद ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे अपना लेक्चर. क्या आपने कभी भी या मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि आपने हर बार टीवी पे मारुति सुजुकी का एड तो देखा होगा, जरूर देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, लेकिन आपने कभी लैम्बोर्गिनी का एड नहीं देखा होगा. क्यों? उसका रीजन है बिकॉज जो लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं वो कभी टीवी नहीं देखते, दे डोंट हैव टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, राइट? सो द ओनर्स ऑफ दिस, द मेकर्स ऑफ द लैम्बोर्गिनी ऑल्सो नो दैट इट इज वेस्टेज ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, सो दे डोंट. तो एडवर्टीजमेंट में वो खर्च करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी लोग टीवी देखेंगे, वॉट इज टीवी, टीवी इज जस्ट फूलिंग अस, राइट? सो ये चीज है. और यहां पर भी यही चीज लिखी कि टफ टाइम्स जो है, जो हमारा प्रिपरेशन का टाइम है, जो जिस टाइम में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारा प्रिपरेशन का टाइम है, वो जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है. और जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो ये बुरा टाइम भी नहीं रहेगा. और प्रिपरेशन का टाइम बुरा टाइम नहीं है. प्रिपरेशन के टाइम में हम कुछ सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग, लर्निंग इज द बेस्ट फेज, राइट? सो टफ पीपल डू बाय लर्निंग एंड बाय कॉन्करिंग एवरीथिंग, प्रैक्टिसिंग एवरी डे, वी आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज एवरी डे, वी आर प्रैक्टिसिंग मेंस क्वेश्चंस एवरी डे, वी आर प्रैक्टिसिंग एसे राइटिंग एंड एवरी डे वी आर सॉल्विंग करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. So we are doing everything that is required to conquer the exam. So we are becoming tough day by day. So we will exist at last and we will win. Right? So let us begin the decoding. First, learn the pattern of the UPPCS Upper Civil Subordinate Services examination. So the paper is conducted into two phases. Right? One is the preliminary phase. Second is the mains. Right? Preliminary phase can be again divided into two papers. That is General Studies 1, consisting of 200 marks, 150 questions, and 1.33 marks each question is been given. So the weightage of each question is 1.33 marks. Then we have the General Studies CSAT, which is of qualifying nature, yani ki sirf isko pass karna hai. 33% lenge out of 200 and we are into the list, right? Service paper ke liye. Aur iski merit jo hai, wo UPPCS डिसाइड करेगा.
यानी कि जो भी कट ऑफ निकलेगी कैटेगरी वाइज जनरल एससी एसटी ओबीसी राइट, जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और हम मेंस देने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि इसके मार्क्स जो हैं टोटल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे राइट। और जनरल स्टडीज 2 जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, 200 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच, और नेगेटिव मार्किंग है 0.5% ऑफ द मार्क्स, यानी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 2.25 मार्क्स का नुकसान सीधा सीधा है। आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रीलिम्स निकाल लेंगे उसके बाद हमारा होगा रिटन एग्जामिनेशन यानी कि मेंस। मेंस एग्जामिनेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट राइट। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हैं दो पेपर्स, यानी कि दो कैटेगरी के पेपर्स, एक तो कंपलसरी और एक ऑप्शनल। कंपलसरी यानी कि सबको देने हैं, मन नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मन की नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ आयोग की चलेगी। यानी कि जनरल हिंदी 150 मार्क्स, ये भी क्वालिफाइंग नेचर की है, जितना भी कट ऑफ डिसाइड होगा यूपीपीसीएस के द्वारा राइट। और ऐसे 150 मार्क्स का, और ये रिटन टाइप है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है ठीक है। जनरल स्टडीज 1 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 300 मार्क्स और 400 मार्क्स। और ऑप्शनल्स जो है, जिसमें से हमें एक ऑप्शनल चुनना है जिसके दो पेपर होंगे, पेपर 1 200 मार्क्स और पेपर 2 200 मार्क्स। ये हो गया पैटर्न। अब चलिए डिकोड करते हैं नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस निकालता है उसको डिकोड करते हैं कि उससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं हम। चलिए देखते हैं, जो एग्जामिनेशन का नाम है, जिस नाम से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है पूरे यूपी में, वो है कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज राइट। कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज, इसका पे स्केल जो देखें, जो रुपए हमें प्राप्त होंगे पर मंथ के हिसाब से, जो सैलरी हमें प्राप्त होगी वो होगी 9300 टू 34300, ग्रेड पे स्केल 4600। इसमें जो सर्विसेज ऑफर्ड हैं, जो सर्विसेज हमें यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने के बाद मिलेंगी, वो होंगी डेप्यूटी कलेक्टर, जिसको हम एसडीएम भी बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, क्रीमी पोस्ट है। और इसके 10 साल बाद, यानी आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल तक आप एक एसडीएम रहेंगे जिले में, और 10 साल के बाद आपका एक आईएएस ऑफिसर के बराबर पे स्केल हो जाएगा और प्रमोशन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम। इसके बाद आता है डीएसपी, डेप्यूटी डीवाईएसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी सेम टू सेम है, और 7 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस स्केल। यानी कि ये सबसे जरूरी है, आईपीएस जो आप मिल रहे हैं ना, आईपीएस आईएएस मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद सीधा आपका जीपी बढ़ जाता है। तो मेन है, सबसे ज्यादा मेन क्या है, आपका जीपी बढ़ना चाहिए बस राइट। इसके बाद बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, ये वाली जो दो पोस्ट है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये पोस्ट आपको जब भी मिलेंगी जब आपकी ऑल इंडिया रैंक 15 तक, सॉरी ऑल इंडिया यूपी रैंक 15 तक आएगी, 15 के बाद आती है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो बात अलग है, पर अगर जैसे मान लीजिए 18 वैकेंसी है तो 15 तो ऑलरेडी आ गए और आपकी रैंक है 17, तो आपको भी डेप्यूटी कलेक्टर या डीवाईएसपी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है ठीक है। तो 18 पोस्ट हैं, और अगर आप 15 पोस्ट ऑलरेडी भर चुके हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 15 पोस्ट हैं और आपकी रैंक है 16 तो आपको नहीं मिलेगा, बाकी 15 को मिल जाएगा अगर वो डिप्यूटी कलेक्टर ऑप्ट करेंगे। अगर उनमें से किसी ने भी ये वाली पोस्ट के लिए ऑप्ट किया है तो उनको फिर वो दे दिया जाएगा और आपको डिप्यूटी कलेक्टर या फिर डीवाईएसपी मिल जाएगा। अब देखते हैं, इसके बाद है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसको बोलते एआरटीओ ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के मालिक हैं आप पूरे ऑब्वियसली राइट। इसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की भी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत क्रीमी है, ग्रेड बी की जॉब है, और इसी के बाद आप
4 to 5 years के बाद यू गेट प्रमोटेड एज एन एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों में अंतर है। एडिशनल कमिश्नर जो है वो फर्स्ट पोस्ट है किसकी, जब यू गो टू थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और IRS के थ्रू आप जब क्रैक करेंगे तो एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट मिलेगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट इन जेल, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, एक्सक्लूसिव ऑफिसर ग्रेड वन, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये बहुत सारी पोस्ट हैं। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप इन पोस्ट को आराम से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी, टैक्स असेसमेंट, और 60 ऐसी पोस्ट हैं जो मिलेंगी हमें थ्रू UPPCS, राइट। तो UPPCS कितना इंपॉर्टेंट है इसी से हम समझ लें कि 60 अलग अलग जॉब्स हमें वो प्रोवाइड करा रहा है, ऑल ऑफ ग्रेड बी, और प्रमोशन इज टाइम बाउंड। यानी कि देखिए, दो चीजें होती हैं, CGL होता है जो SSC CGL, इसमें प्रमोशन है एग्जाम बाउंड, ठीक है, और ये जो है ये है टाइम बाउंड प्रमोशन। यानी कि CGL में क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए रिक्रूट हुए अभी, ठीक है, और 2 साल बाद आप जो है एक और एग्जाम देते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आप ग्रेड ए बन जाएंगे तुरंत, ठीक है, ग्रेड ए ऑफिसर बन जाएंगे आप। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कि ग्रेड बी, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम, इसमें है ये कि ये कंपलसरी है कि आप जो है 7 साल तक, मतलब फिक्स्ड टेन्योर, एक समझ रहे हैं ना आप बात, कि 7 साल 5 साल जो भी एक फिक्स्ड है उसमें आपको वो काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रमोशन पक्का है, टाइम बाउंड प्रमोशन है। तो यानी कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखें कि एज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कैटेगरी के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो इसकी मिनिमम एज है 21 साल, यानी कि 21 ईयर्स के हो गए हैं आप तो फिर इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, और 40 इयर्स इज द मैक्सिमम एज, 40 इयर्स के बाद वाला कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, एज रिलैक्सेशन होगा तो बात अलग है, ये है जनरल कैटेगरी की बात। SC ST OBC के लिए 40-45 है, 40-45 है ये, तो 40 और 21 इयर्स, यानी कि ये एग्जाम एक ऐसा है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अगर आप अच्छी या फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी है तो यानी कि आप और आपका बेटा दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हो UPPCS की, राइट। तो एक अच्छे से भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप 30-35 के बीच में हैं तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पोस्ट। अगर आप वर्किंग भी हैं, अगर आप कांस्टेबल हैं, अगर आप कांस्टेबल हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं, कुछ भी हैं आप, अगर जो भी ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट पे हैं तो आप इस एग्जाम की बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट सिर्फ DYSP या और DSP और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड्स और जेलर के लिए हैं। यानी कि पुलिस वाली जॉब्स, यूनिफॉर्म जॉब्स जितनी भी इसके द्वारा मिलेंगी UPPCS के थ्रू, वो सब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपका हाइट, वेट देखा जाएगा और चेस्ट एक्सपेंशन, वुमेन्स चेस्ट एक्सपेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उनका चेस्ट एक्सपेंशन नहीं देखा जाएगा, ओनली मेल कैंडिडेट्स, और ये भी ओनली जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। यानी SC ST OBC अगेन यहाँ पे उनको बेनिफिट है कि उनको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना। जनरल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो इनकी हाइट जो है रिक्वायरमेंट 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है 84 अनएक्सपेंडेड और 89 एक्सपेंडेड, राइट। अब बढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो जो है, जो मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं वो एग्रीकल्चर, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, लॉ, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, कॉमर्स अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल साइंस। इनमें से कोई भी एक पेपर आपको चुनना है जिसपे की 2 पेपर होंगे, Paper 1 और Paper 2, ऑप्शनल का 300-300 मार्क्स का ईच होगा आपका एग्जामिनेशन, राइट। बढ़ते हैं आगे।
इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है इस नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करी हुई, वो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जनरल हिंदी का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, जनरल हिंदी का जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम पेपर होगा, जिसके मार्क्स जो है वो डिसाइड करेगा यूपीपीसीएस, राइट। यूपीपीसीएस डिसाइड करेगा कि भैया कितने मार्क्स हिंदी में लाने हैं, 40-45% मतलब फिक्स्ड रहेगा, इसका कट ऑफ नहीं निकलेगा, राइट। 2 आवर्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, 3 घंटे का मेंस होगा, ये चीज नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये मॉर्निंग शिफ्ट होगी 9 से 11:30 और 2:30 से 3, वो बाद में बताएंगे आपको कि कैसा वो नोटिफिकेशन में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, 2 पेपर होंगे, 2 सेक्शन होंगे हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, और कैंडिडेट्स को क्या रिक्वायरमेंट है कि 5 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें, और 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, राइट। यानी कि 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसा कि लिखा हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और उसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे एक जो है बेनिफिट जो है मिलेगा। अब इसके बाद होगा पर्सनालिटी टेस्ट, इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट की अगर हम बात करें, 100 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होगा इंटरव्यू फॉर्म में, 1-on-1 डिस्कशन, चेयरमैन ऑफ द यूपीपीसीएस और भी अदर लोग बैठेंगे और डिस्कशन होगा। बढ़ते हैं आगे, सिलेबस डिकोड करेंगे हम। देखिए सबसे पहले मेंस का सिलेबस डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस इज मेंस, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस मेंस में ही कवर हो जाएगा, एक्सक्लूसिव पूरा मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, हर चीज मेंस की कवर करेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो लास्ट के 20 से 25 दिनों में सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाएंगे और कुछ नहीं, प्रीलिम्स की स्पेशल तैयारी करेंगे, सिर्फ अभी जो तैयारी करेंगे वो मेंस की करेंगे, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी तैयारी होगी, मींस डेली क्वेश्चंस अपलोड होंगे, डेली क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, डेली के क्वेश्चंस वहां पे अपलोड होंगे, और डेली के आंसर्स आप स्क्रीनशॉट इसको पीडीएफ या कैसे भी करके आप इमेज फॉर्म में भेजिए, और उसके आपको आंसर रिव्यूज मिलेंगे, कहां क्या गलती है, कैसे है, हर चीज। साथ ही साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड होंगे, बिल्कुल हर चीज प्रोवाइड होगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रिलैक्स रहिए, बस तैयारी करते जाइए और मेहनत करते जाइए। डिकोडिंग सिलेबस, मेंस इज मेंस, देखिए मेंस जो है वो मेन है, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगा, मेंस ही सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जनरल स्टडीज 1 की बात करें अगर, तो इसमें पूरी आर्ट एंड कल्चर, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशियंट से मॉडर्न टाइम्स, यानी कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सब कुछ आएगा आर्ट एंड कल्चर में, इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, तो हर चीज कवर होगी। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री 1747 से लेके 1947 तक, कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं, इश्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ महान पर्सनैलिटीज की भी फोटो दे रखी है, भगत सिंह इनका कंट्रीब्यूशन, महात्मा गांधी इनका कंट्रीब्यूशन, चंद्रशेखर आजाद इनका कंट्रीब्यूशन, सुभाष चंद्र बोस इनका कंट्रीब्यूशन, एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स, और भी महान क्रांतिकारियों का बारे में हर चीज का डिटेल में डिस्कशन होगा। इसके बाद है फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल इनके वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट कंट्री से क्या क्या फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रहा, क्या कैसे, हर चीज में हम देखेंगे। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस की किस तरीके से क्या हालत थी, ठीक है, क्राइसिस हुई, इमरजेंसी हुई, हर चीज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ, व्हाट लेड टू इमरजेंसी, इमरजेंसी क्यों हुई और इमरजेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कैसे क्या, हर चीज। इसके बाद हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है, कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, नेशनल बाउंड्रीज को रिड्रॉ किया गया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक सीन, ठीक है, और सोशलिज्म, नाजीज्म, फेसिज्म, हर चीज जो है यहाँ पे देखेंगे पूरा कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके बाद देखें सोसाइटी है पूरी, सोसाइटी क्या क्या है, सोसाइटी के इफेक्ट, पॉवर्टी है, ठीक है, रिलीजन है, हर चीज है, मतलब सोशल बिजनेस इश्यूज जो है, वोमेन सिक्योरिटी है, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड
डेवलपमेंटल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन देयर प्रॉब्लम, तो वोमेन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वोमेन की सोसाइटी में क्या रोल है, इम्पोर्टेंस है, और वैदिक एज से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज से लेके प्रेजेंट सिचुएशन तक वुमेन की क्या पोजीशन रही है सोसाइटी में, और हर चीज इस तरीके से देखेंगे, राइट। अब डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी का ही पार्ट है, इसी में कवर होगा। इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में आए थे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से, ये सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म, राइट। क्या क्या सेक्युलरिज्म का पार्ट है, रीजनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, क्या ये टर्म्स हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज, इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स, हर चीज जो है इसमें कवर होगी। इसके बाद आती संपूर्ण ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, वाटर रिसोर्सेज, वाटर साउथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों इधर है, क्यों इधर नहीं है, हर पार्ट में वर्ल्ड के, अमेरिका में क्या चीजें ज्यादा हैं, इंडिया में क्या चीजें कम है, श्रीलंका में क्या है, माइन रिजर्व, कोल रिजर्व, हर चीज। फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट्स, विंड, ग्लेशियर्स एटसेट्रा, हर चीज यहाँ पे जो है, जियो फिजिकल फिनोमिनाज बोलते हैं एक्चुअली इनको, राइट। इनका इम्पैक्ट क्या होता है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी का, किस तरीके से ये ओरिजिन है, इनका ओरिजिन, इम्पैक्ट, बचना कैसे इनसे, ये सब भी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। ओशियन रिसोर्सेज ऑफ, ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया और इनका पोटेंशियल, राइट। ओशियानिक रिसोर्सेज अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, सेव करना, प्रिजर्व करना, ओशियानिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरीके से इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड एंड फोकस ऑन इंडिया, रिफ्यूजी, रोहिंग्यन क्राइसिस, इसमें जो भी ये करंट बेस्ड टॉपिक है पूरा, इसको करंट बेस्ड टॉपिक के तरीके से ही डिस्कस करेंगे। फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से फ्रंटियर और बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं और इसके क्या मेजर इश्यूज हैं, ये भी अब डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट टाइप्स, पॉपुलेशन कितने टाइप की होती है, क्या पैटर्न होते पॉपुलेशन के, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और स्मार्ट विलेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पूछा स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी, जो यूपी की जीके आएगी, यूपी की जीके वो यही आएगी, यही है यूपी की जीके, यूपी की जीके, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हर चीज, हेरिटेज, सोशलिज्म, कस्टम, टूरिज्म एटसेट्रा, हर चीज जो है यहाँ पे। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी ज्योग्राफी, यूपी का ज्योग्राफिकल लोकेशन, ह्यूमन रिसोर्स लोकेशन, नेचुरल रिसोर्स, हर चीज जो है यहाँ पे यूपी से स्पेसिफिक, यूपी स्पेसिफिक है ये, क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइनिंग, मिनरल्स, सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, राइट। ये हो गया कंप्लीट GS1 का डिकोड सिलेबस, GS1 का सिलेबस कंप्लीट डिकोड। आप देखते हैं जनरल स्टडीज 2 की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, संविधान, पूरा संविधान किस तरीके से बना, क्या उसके पीछे के, उसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, उसके पीछे का क्या क्या रीजन थे, उसका कैसे उदय हुआ, इवोल्यूशन, फीचर्स क्या क्या उसके हैं, अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, कितने अमेंडमेंट कर दिए गए, क्यों लाया गया अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या है। इसके बाद रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि वो बात कर रहे हैं सीधे सीधे केशव नंदा भारती केस, ठीक है, और भी केशव नंदा भारती केस के अलावा भी मिनर्वा मिल्स केस है, और भी केसेस हैं जिनकी एक्सक्लूसिवली डिस्कशन होगा इस वाले पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट जो आता है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू दी फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers and finances up to the local levels and challenges therein, right? yani ki distribution of powers state or center ke beech kis tarike se hoti hai, finance commission ka kya role rahega isme relation mein, iske baad power ka distribution jo hai state or center ke beech mein usse kya kya mechanism aur kon kon se institution jo aur isse kya usse kya kya dispute hota hai aur dispute ko solve karne ke liye kon kon se DRM मतलब कि डिस्प्यूट रेडरेसल मैकेनिज्म है, ये भी देखेंगे। कंपेयर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, देखेंगे क्या फीचर्स अपने में ज्यादा हैं, क्या उनके में कम है, एक नोटेबल कंपैरिजन होगा इस वाले पॉइंट में। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड कंसर्न इश्यूज, संपूर्ण पार्लियामेंट का डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट पावर्स, कौन कौन सी वीटोज होती है, कौन कौन सी रिट्स होती है,
कौन कौन सी मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी, माइनर मेजोरिटी, कंप्लीट मेजोरिटी, वो इस वाले पार्ट में संपूर्ण डिस्कशन इसमें होगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हु कैन फाइल अ PIL, हाउ कैन द PIL बी फॉर्म्ड, सैलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है, इसके क्या क्या नोटेबल फीचर्स हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, ये भी देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, इनका रोल क्या है, इनका मैंडेट क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भी सब। स्टैट्यूटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी इंक्लूडिंग नीति आयोग, नीति आयोग अभी जो बना था 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा के, उसका भी देखेंगे कि 2014 में क्यों हटाया गया, क्या था ये सब पूरा इसका। और भी कौन कौन सी जो है नोटेबल नोटेबल बॉडीज हैं, वो भी इस वाले पॉइंट में कवर होंगी। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालता है, उसकी इंटरवेंशंस डेवलपमेंट, राइट, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, स्टार्ट मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री किसान और प्रधानमंत्री आरोग्य, पीएम सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें जो हैं, और जितने भी रिलेटेड सब्सिडी रिलेटेड प्रोग्राम हैं, जो भी सेक्टर्स और जो भी पॉलिसीज जो है इम्पोर्टेंट हैं, वो यहाँ इस वाले पॉइंट में कंप्लीट डिस्कस होंगी। इसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे चेंज आ रहा है सोसाइटी में, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ड्रिविन जो है स्कीम्स हैं यहाँ पे चल रही हैं, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनजीओ का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये कैसे गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी रोल प्ले कर रही है, यानी कि जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती वहां ये पहुंच जाती है, वही है ना, जहां आम आदमी की पहुंच नहीं होती वहां आर्मी की पहुंच होती है। तो सेम लाइक जहां गवर्नमेंट की पहुंच नहीं होती, मींस गवर्नमेंट हेल्प नहीं करना चाहती लोगों को, वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, इसीलिए नॉन गवर्नमेंटल, गैर सरकारी जो है संगठन जो है हेल्प करती है यहाँ पे, और वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। वेलफेयर स्कीम्स जो है, वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोटेक्शन, बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, और डेवलपमेंटल इश्यूज। ऑब्वियसली बात है, जब इतना सब कुछ करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक जो है एक चीज की जो डेवलपमेंट एक के लिए जरूरी है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। एक जो है अगर मान लीजिए एक टाउन है कहीं पे, वहां पे लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन अंबानी जो है वहां पे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो अंबानी बिल्डिंग क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देश का भला होगा, देश का विकास होगा, लेकिन इन लोगों का तो डिस्ट्रक्शन है। तो जो डेवलपमेंट एक के लिए जरूरी नहीं, वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी हो। इसके बाद पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे, क्या क्या लिमिटेशन हैं, क्या सक्सेस मिले हैं, कौन कौन से गवर्नेंस मॉडल्स होते हैं, उसके चार्टर, रोल ऑफ, इसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, जिसकी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज की क्या क्या होती है, पुलिसिंग का क्या रोल है, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल है, राइट, डेमोक्रेसीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इसके बाद आता है यहाँ से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट, इंडिया और उसके रिलेशनशिप नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, और कौन कौन सी रीजनल, बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, रीजनल ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग, G3, G4, G5, G2, जितनी भी तरीके की ग्लोबल ग्रुपिंग, सर इस पॉइंट में एक्सक्लूसिवली डिस्कस होंगी डिटेल में। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन डेवलपिंग एंड डेवलप, जो पॉलिसीज इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, जैसे कि अगर मान लीजिए ईरान और यूएसए का अटैक है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी, इनका स्ट्रक्चर क्या है, एजेंसी, इसका इनका उद्देश्य क्या है, मैंडेट, और इनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, WTO, नाटो और IMO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो भी जितनी भी तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNCEF,
जो भी है यूनाइटेड चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोविडेंट फंड सॉरी फंड जो भी है इसमें डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली। इसके बाद आती है उत्तर प्रदेश की एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल करंट अफेयर्स एंड इवॉल्विंग ऑफ रीजनल स्टेट एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। तो ये हो गया जीएस वन और जीएस टू का संपूर्ण डिकोडिंग, और अब हम स्टार्ट करेंगे जीएस वन का एक एक पॉइंट से सिलेबस अपकमिंग वीडियो में। अपकमिंग वीडियो में देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसलिए तो वीडियो में टाइम लग रहा है, लेकिन वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ऑसम है, इसीलिए आप जो है इसको आराम से देखिए, पढ़िए सोर्सेस को। और अब अपकमिंग सेशन में हम जीएस वन का आर्ट एंड कल्चर जो कि फर्स्ट पॉइंट है उसको उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एलैबोरेट डिस्कस होगा उस पर, क्या क्या उसके एडवांटेज, क्या क्या उसमें पढ़ना है, किस तरीके से सिलेबस डिकोड होगा उसका, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन, हर चीज उसमें डिस्कस होगी। लेकिन ये चीज जब ही होगी, जब इस वीडियो पे फीडबैक अच्छा आएगा तभी, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लग रही है, हम खुद एक एस्पिरेंट है, ठीक है, वरना फिर आपकी जो ही रेगुलर वीडियोज आ रही है वही रेगुलर वीडियोज आप जो सर डाल रहे हैं और बाकी वीडियोज जो है आती रहेंगी। क्योंकि देखिए अगर हम इतनी मेहनत से कोई भी वीडियो डाल रहे हैं और उस पर कोई भी फीडबैक नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने ट्रेलर डाला तो उसमें कोई भी कमेंट नहीं आया, कोई भी फीडबैक नहीं आया, तो यार ये चीज थोड़ी सी बुरी लगती कि इतनी मेहनत से 3 से 4 घंटे 5-5, 6-6 घंटे आदमी इन्वेस्ट कर रहा है अपने, और उसके बाद आपको एक एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ले रहा है, तो आपका उसमें कुछ नहीं जा रहा है यार, आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। तो सिर्फ ये है कि बस आप खाली वीडियो पे जो कमेंट डाले, बस सिर्फ कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी डालें, आपकी वीडियो में क्या चेंज आने चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेके आए, क्या चेंज लेके आए, कौन सी बुक के आपको नोट्स चाहिए हैं, क्या मॉक टेस्ट चाहिए है, आप कम से कम एक डिमांड तो रखें अपनी ताकि हमें पता चले। जब आप कुछ बताएंगे ही नहीं, कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो अब ये आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और लाइक करें, और इसके बाद इस वीडियो पे कमेंट करें। आगे आने वाला जीएस टू पे स्टार्ट चाहिए कि जीएस थ्री पे चाहिए, टू पे किस चीज पे आपको पहले चाहिए, इकोनॉमी पे चाहिए, हिस्ट्री पे, कौन से सब्जेक्ट पे लेक्चर पहले चाहिए, आपको लेक्चर जरूर मिलेगा, उस पे फीडबैक जरूर मिलेगा आपको। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर इस सीरीज को हम यहीं पे बंद करेंगे, इस सीरीज को डिलीट करना पड़ेगा, जो दो ट्रेलर और ये आया है, ये धमकी नहीं है, एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि एक ट्रेलर और इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, और वो जो सर अपनी वीडियोस चला रहे हैं वही वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे और अपलोड होती रहेंगी एज यूजुअल, जैसे अपलोड हो रही है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।